हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स। आज मैं स्टूडियो में लेके आया हूं आपके लिए एक नई अनबॉक्सिंग जिसका आप सभी वेट कर रहे थे। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इसको जल्दी से जल्दी लेके आऊंगा। तो क्या है वो मैं दिखाता हूं आपको जस्ट अ सेकंड। तो ओके, तो यहां पे मैं आपके लिए लेके आया गया हूं रेडमी वाई टू। सॉरी उल्टा दिख रहा होगा, सॉरी। हाँ, तो ये है रेडमी वाई टू और आज ही ये मुझे मिला है। आज मतलब आज थर्सडे को ये मुझे, थर्सडे नहीं फ्राइडे को ये मुझे रात को 12:36 पे मिल गया है। अभिषेक ने पटना से भेज दिया, तो खैर तो ये आ गया है। और अभी रात की बजे समथिंग 2 या 3:30 बज रहे, 2:30 बज रहा है, ठीक है। तो मैं करने वाला हूँ इसकी अनबॉक्सिंग। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं याद दिला दूं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और एटलीस्ट यार फेसबुक पे शेयर कर देना। ओके भाई लोग, तो ये है आपके सामने Redmi Y2 सील पैक। और जैसा कि आप देख रहे हो, आपको जब फ़ोन मिलेगा तो Amazon की पैकिंग बहुत वाहियात होती है। मैंने उस प्लास्टिक को हटा दिया, पैकेट को हटा दिया, मतलब डब्बे वगैरह तो था नहीं। हाँ, तो इस पैकेट को हम लोग ऊपर के जल्दी से खोल लेते हैं और देखते हैं कि क्या हमें अंदर मिलता है और किस तरह हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है यहाँ पर फ़ोन में। तो यहाँ पे आपको एक सील दिखेगा, तो उस सील को आपको खोल देना है। और अगर खुला हुआ सील आपको मिले तो प्लीज़ फ़ोन को मत लेना, ठीक है। ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कंपनी वाले ही लगा के देते हैं। तो यहाँ से खुल गया है और अब ये आसानी से ओपन हो जाएगा। तो मैं इसे जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। और बॉक्स जो है थोड़ा बहुत साइड वगैरह से डैमेज था, तो देखते हैं अंदर क्या मिलता है। अंदर जो है हमें सबसे ऊपर में Redmi Y2 मिल जाता है, जिसके ऊपर एक प्लास्टिक की लेमिनेशन चढ़ी हुई है, जिस पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है जो आपको दिख रहा है, ठीक है। ये फ़ोन है, मैं इसका सारा का सारा ओवरव्यू आपको अभी तुरंत दूंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। अभी मैं इसको साइड में रख देता हूं। वो हटाने के बाद आपको एक छोटा सा पाउच मिला है, ठीक है। तो इसके अंदर जी हाँ वही है ट्रांसपेरेंट TPU कवर जो आजकल Redmi ने देना स्टार्ट किया है। और ये है वो कवर। तो कवर मतलब उतनी अच्छी तो नहीं होती है, बट एक नया फ़ोन जो है नया नया जब आता है तो उसको कुछ नहीं मिलता है, तो उस हिसाब से चलो अच्छा कह सकते हैं हम एक सेकंड के लिए। और ये जो है मैनुअल गाइड है, मैनुअल गाइड की क्या ज़रूरत है पता नहीं, खैर तो ये है। इसके बाद बॉक्स के अंदर हमें दो ही चीज़ दिखती है, एक अडेप्टर एक डेटा केबल। तो अडेप्टर जो है वही पुरानी 5V 2A वाली अडेप्टर। अब फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा या नहीं मैं टेस्ट करके बताऊंगा ना अगली वीडियो में, ओके। तो इसके बाद एक डेटा केबल मिल जाती है छोटे साइज़ वाली, वही जो हमेशा ये देते हैं। और ये वही अडेप्टर है जो Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro के साथ मिला था। और एक आखिरी चीज़, एक सिम इजेक्टर टूल छोटी वाली, जो बड़ी प्यारी लगती है देखने में, ठीक है। तो आप सबसे पहले देख लो, तो यहाँ पर हमारे पास फ़ोन है। तो फ़ोन में मैं जो है सबसे पहले दिखा दूँ आपको, आगे जो लेमिनेशन है उसे हम लोग हटा लेते हैं, ताकि फ़ोन का जो डिस्प्ले है 18:9 एस्पेक्ट रेशियो जो ये बताते हैं तो कैसा लगता है देखने में। तो देखने में आपको ये फ़ोन आगे से Redmi 5 के जैसा और पीछे से Redmi Note 5 Pro के जैसा लगता है, बट इसकी बॉडी मेटालिक नहीं है, प्लास्टिक की है, ये बुरी बात है। खैर कोई बात नहीं, तो ये है फ़ोन आपके सामने। और फ़ोन की लुक्स तो वैसे ज़बरदस्त लग रही है। नीचे साइड आप देखोगे तो चार्जिंग स्लॉट और एक स्पीकर ग्रिल है और एक जो है वो फॉल्स है, तो दूसरे पे ना जाना, ठीक है। लेफ्ट साइड में जो आपको है यहाँ पे सिम इजेक्टर स्लॉट मिलता है, सॉरी सिम स्लॉट मिलता है, जो कि हाइब्रिड सॉल्यूशन के साथ आता है। दैट मीन्स कि आप इसमें एक साथ दो सिम और एक मेमोरी कार्ड आराम से यूज़ कर सकते हैं। और ये एक अच्छी बात है, कम से कम Y2 के लिए बहुत अच्छी बात है कि ये फीचर अब ये लोग देना शुरू कर दिए हैं। और बस ऐसे ही फ़ोन आए भाई, मज़ा आए। फिर Redmi Note 5 Pro में भी काश ऐसा होता, खैर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है इस साइड अगर आप देखोगे राइट साइड में, तो आपको सबसे ऊपर जो है वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं, उसके बाद पावर बटन मिलता है और इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं। तो स्पीकर बम्प इसमें वैसा ही दिया गया है जैसा कि Redmi Note 5 Pro में है, तो आप देख सकते हो, यानी कि आपको इसको भी बचा के रखना होगा। पीछे में फिंगरप्रिंट वाली जो हिस्सा है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो हमने मॉडल लिया है वो है डार्क ग्रे। फ्रंट साइड में ऊपर में एक फ्लैश है, एक फ्रंट कैमरा है, फ्रंट कैमरा भी गजब है, मैं आगे बताऊंगा आपको। ऊपर की ओर 3.5mm का जैक ऊपर चला गया है, एक सेकेंडरी माइक्रोफोन ऊपर है और IR ब्लास्टर जो Redmi Note Redmi के हर फोन में आता है वो भी आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाता है। एक मच्छर आगे पीछे घूम रहा है, उसको इग्नोर कर देना। तो खैर, तो ये आपको यहाँ पर कुछ मिलता है। अब हम लोग ऑन करके देख लेते हैं भाई कि फ़ोन के अंदर हमें क्या मिलता है। वैसे फ़ोन के अंदर हमें MIUI 9.5 या समथिंग ही मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो बॉक्स में बता दूँ क्या क्या लिखा हुआ है। तो डार्क ग्रे कलर का है, 3GB 32GB वाला वेरियंट है। फ्रंट कैमरा जो है वो 16MP है, AI पावर्ड फ्रंट कैमरा कहा जाता है इसको। बाकी जो है 12:5 का रेयर कैमरा है, 18:9 एस्पेक्ट रेशियो है, स्नैपड्रैगन 625 का प्रोसेसर दिया गया है और कुछ खास बात नहीं है। तो अब हम लोग इसको बूट कर लेते हैं। बूट करने के लिए जो स्टेप्स हैं उसको थोड़ा छोटा कर दिया है, एक्चुअली 3-4 मिनट लगेंगे फुल बूट में, बट वो आपके लिए टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं ज्यादा नहीं दिखाना चाहता हूं। बस यहां पे थोड़े बहुत रीजन सेलेक्ट कर लो आप इंडिया, उसके बाद ये चला जाएगा प्रोसेसिंग में और करीब करीब 2-3 मिनट लगेगा, ओके।
तो उसके बाद ऐड फिंगर का ऑप्शन आता है, ऐड फिंगर के ऑप्शन पे जाओ और आप अपना एक पिन चुन लो। मैं पिन चुनता हूँ, ठीक है। तो ये रहा मेरा पिन और पिन को एक बार कंफर्म करना होगा, कंफर्म हो गया, ठीक है। फिंगरप्रिंट इसमें 10 से 15 बार आपको अपनी उंगली को सेलेक्ट करना होता है, तो वही काम मैं भी कर रहा हूँ और बहुत जल्दी काम कर रहा है ये, फटफट हो गया, सारा का सारा हो गया। रेडमी 3 प्राइम में इतना फास्ट नहीं था, खैर वो मेरा पहला फ़ोन था रेडमी का। खैर यहाँ पे दो विंडो मिल रहे हैं, तो जो डिफॉल्ट है मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, डिफॉल्ट वाला यूज़ करता हूँ। अब सेटअप कंप्लीट करने में आपको 3 से 3 मिनट अप्रॉक्स लगेगा और मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर जो है फ़ोन बिल्कुल पूरी तरह से ऑन हो गया है और जैसा कि आप देख रहे हो अच्छा ही लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये आपके बाकी के रेडमी फ़ोन में भी देखने को मिले होंगे, तो इसमें आपको कुछ नया नहीं देखने को लगेगा। खैर चलते हैं हम लोग सेटिंग में और देखते हैं अबाउट सेक्शन में कि क्या क्या इसमें हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर मॉडल नंबर लिखा हुआ है, एंड्रॉयड वर्जन इसके अंदर 8.1 मिल गया है आपको, सिक्योरिटी पैच इसके अंदर 1/5/2018 का है, MIUI वर्जन 9.5.9.0 मिला है, चलो बढ़िया है। मॉडल नंबर CPU इसके अंदर ऑक्टा कोर है, मैक्सिमम 2 GHz तक क्लॉक्ड है, रैम 3 GB की मिली है, 22 GB का इंटरनल स्टोरेज मिला है, 22.99 यानी कि 23 GB मान लो आप 32 GB में से, जो कि एक अच्छी बात है। बेस वर्जन, कर्नल वर्जन, बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इसमें इसकी देखने को मिल जाएगी। तो आई होप के कैमरा टेस्ट भी देखना है क्या? तो अभी मैं बस एक छोटा सा कैमरा सैंपल दिखा दूंगा, लेकिन इसके हिसाब से मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा है। तो बैटरी अभी जो हमें बॉक्स में 40% के अप्रॉक्स जो चार्ज वाली बैटरी मिल गई है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे काम हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर हमारा कैमरा खुल गया, तो कैमरा आप देखोगे तो देखने में अच्छा लग रहा है और ब्राइटनेस में थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। उसके बाद अब आप देखो सामने जो चीज़ है ऐसे और फ़ोन के अंदर से दोनों तरफ से आपको बढ़िया लगेगी देखने में, और यही तो अच्छी बात है रेडमी की। खैर तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने फ्रंट कैमरा जो 16 MP का है उससे एक शॉट दिखाई है आपको, तो एक मैंने कैप्चर भी कर लिया, और कैप्चर करने के बाद आप देख लो अलाउ, हाँ देख लो तो किस तरह की फोटो आई है। हालांकि मुंह खुला आ गया क्योंकि मैं बोल रहा था उस समय, मैंने वो ऑडियो बंद कर दिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड नाइट।